सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम तिघरा युवक द्वारा सिमरिया में एफआईआर दर्ज कराई गई, जहां युवक ने बताया कि भूधर साहू घर के सामने गड्ढा लेकर करने लगा। जब मेरी मां ने विरोध किया तो बुरी बुरी गालियां देने लगा। उसने आगे बताया कि युवक ने मां की दाहिनी आंख के ऊपर वार कर दिया, जिससे मां गंभीर रूप से चोटिल है। अनिल ने आगे बताया कि जैसे ही हमने थाना प्रभारी को इसकी जानकारी दी, उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले को संज्ञान में लिया और पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन समझाइश के बाद भी भूधर फिर लड़ाई झगड़ा और मारपीट करने घर आ गया। वहीं सिमरिया थाना प्रभारी ने मीडिया को बात करते हुए बताया कि थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि पूर्व में भूधर साहू के ऊपर प्रकरण दर्ज है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, जल्द से जल्द चालान पेश कर दिया जाएगा और अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। 25/6/24 का दिन का विवाद है कि अनिल साहू के द्वारा दर्ज कराई गई थी भूधर साहू की भूमिका और राजकुमार साहू और इनके चचेरे भाई हैं और इनकी पत्नी राजा भाई साहू साहू के द्वारा देवेंद्र साहू के मल साहू के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई और ये मारपीट की प्रकरण थी, जिसमें इक्कू साहू की पत्नी जो है राजा भाई साहब के हाथ में पेंचर आया है, जिसके द्वारा 325 बढ़ाई गई है और ये अनिल साहू की मौत है। उनको चोट थी आँख में और नाक वगैरह में, उनकी भी जबरदस्ती कराई गई कि आप सब कार्रवाई दोनों में चालान की कार्रवाई की गई, न्यायालय भी होगा और इनके दोनों पक्षों को जाकर के समझाइश भी दी गई कि भाई आप विवाद ना करें, पालिका के परिवार के और यदि विवाद करते हैं तो फिर गंभीर घटनाएं भी हो सकती हैं और अगली कार्रवाई यदि गंभीर होती है तो इसके उपरांत जो समझाइश देने के बाद आ गए तो रात्रि में फिर विवाद हुआ, जिसकी सूचना आई थी लेके आई थी। 151 सर हमारे घर पे मम्मी जा रही थी बारी को, तो इग्लू साहू और भूधर साहू और राजकुमार साहू ये तो तीनों जने मिलके मारने लगे, मतलब निकलने रास्ता बंद कर रहे थे तो मम्मी ने बोला यहाँ रास्ता बंद करो, तो गाली गलौज करने लगे और सब बल मारिए, यहाँ पर चोट आई है मेरी मम्मी को और ये गाली गलौज करते हम लोग मतलब पापा और भैया कंपनी जाते, मैं दुकान पुलिस आई थी, हाँ पुलिस आई थी, छानबीन की है और समझा के बुझा के गई थी कि लड़ो मत आपसी में समझा लो, तो समझा मतलब ये फिर भी गाली गलौज करते हो, मम्मी को मारने के लिए बोल रहे थे, हमारी भाभी हैं उनके लिए मारने के लिए बोल रहे थे, रात रात उठ उठ के गाली देते हैं सारे लोग और हम लोग मतलब मैं दुकान जाता हूँ और भैया और पापा जाते हैं कंपनी और इन लोगों को गाली गलौज करते हैं, बाहर निकल के लट लेके आते हैं मारने के लिए दौड़ते हैं, निकलो बहन की गाली देते हैं, सिमरिया थाने में शिकायत करी, उसकी छानबीन चालू है